सो ही गाइस व्हाट इज अप, आप सभी का स्वागत है चिकन वीडियो में। एंड अभी आपको भाई स्क्रीन में एक थंबनेल दिख रहा होगा भाई, इसी का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ जो कि भाई बेसिकली एक पबजी वनडास थंबनेल है भाई। अगर तुम वीडियो को एकदम एंड तक देखते हो भाई, तुम ये थंबनेल बनाना एकदम इजीली सीख जाओगे। एंड भाई थंबनेल का जो पैक है उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। एंड भाई और एक चीज़, पैक एकदम डायरेक्ट लिंक मैंने दी है गूगल ड्राइव की, कोई भी लिंक शॉर्ट ना जीपी लिंक्स यूज़ नहीं की है। एंड हाँ, पैक जो है भाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पैक की जो पासवर्ड आपको वीडियो में कहीं भी पॉपअप होकर मिल सकती है, आप उस पासवर्ड को भाई जेड आर्चीवर एप्लीकेशन की मदद से एंटर करोगे पैक को एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पे, तो भाई आपका पैक सिंपली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एंड पैक का पासवर्ड भाई नीचे कमेंट मत कर देना, कि भाई अगर तुम कमेंट करते हो तो भाई सिंपली मैं तुमको मतलब कि चैनल से ब्लॉक कर दूंगा। ओके, एंड भाई कमेंट मत कर देना। ओके, तो भाई चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मतलब अपना आपको अब फोटोशॉप टच एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ठीक है। एंड भाई आपको लाइट रूम का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं फोटोशॉप का पार्ट। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैंने फोटोशॉप में 1920x1080 का प्रोजेक्ट ले लेना है। कैरेक्टर एंड बैकग्राउंड को भाई पॉलीगन सिलेक्शन टूल से अलग करके आपको फ्रैंकी वाला प्रीसेट लगा देना। ओके, ये तो भाई आपको आता होगा बेसिक्स है। एंड फिर कैरेक्टर के सिलेक्ट पिक्सल करके ऊपर के क्लियर में स्ट्रोक मार देना है, उसको ग्लास ब्रेक देके ग्लो दे देना है बेसिकली। ओके, रेड कलर का ग्लो दे दिया, थोड़ी सी ब्लर को इंक्रीज कर दो। अब भाई इसको कर दो तुम लीनियर डॉजार्ड सिंपली। एंड इसकी डुप्लीकेट लेयर कर दो ऊपर, एंड ऊपर लेयर को थोड़ा सा गॉजियन ब्लर दे दो, जिससे एक अलग सा एंड अच्छा सा ग्लो आपको देखने को मिल जाए। ओके, अब भाई जो दोनों आपकी लेयर है इसको मर्ज कर दो, मतलब जो ग्लो की लेयर है एक आपने वो किया था ना, एंड जो बैकग्राउंड है उसको बिल्कुल डुप्लीकेट करके एक कोई भाई रेड कलर कर देना है टिंट में जाकर। एंड ल्यूमिनस करके कुछ है उसको भाई आपको कर देना 21% बेसिकली, ऐसा कर देना तुमको ओवरले। ओवरले करने के बाद भाई तुम इसकी ओपेसिटी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट आई रिकमेंड 100 नैनो ओपेसिटी। एंड भाई अब तुमको अपने पैक के पास चल जाना है, मतलब कि आपको पैक में कुछ ऐसे फायर्स मिल जाएंगे बेसिकली भाई, ये एमलेट वाले फायर्स है। अब भाई कोई भी लगा लो भाई, आपको जो भी सही लगता है अपने मॉन्टाज के थंबनेल के हिसाब से। एंड इसको कर दो लीनियर डॉज ऐड, जिससे भाई जो सारे ब्लैक पार्ट्स है वो चल जाएंगे एकदम से, छुमंतर हो जाएंगे बेसिकली। अब भाई फिर से तुमको अपना वही मतलब कि खोल लेना है अपना फोटोशॉप टच का जो, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, अब भाई तुमको अपना वो इंपोर्ट कर लेना है फॉन्ट। ओके, जो भी तुम्हारा टेक्स्ट है उसको इंपोर्ट कर लेना है बेसिकली। भाई मैं अपने थंबनेल वाले टेक्स्ट को जो भाई रेड कलर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट पिक्सल्स करके एक्सट्रैक्ट कर लिया बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अब भाई इसको तुम अपने हिसाब से एकदम ट्रांसफॉर्म करके सेंटर में रख लो, जहाँ भी तुमको रखना है। सिलेक्ट पिक्सल के ग्रेडियंट में जाओ, एंड मैंने यहाँ पे रेड ग्रेडियंट बना के रखा भाई, तुम देख सकते हो दोनों तरफ हमारा डिफॉल्ट रेड कलर, एंड बीच में भाई रेड कलर है, पर थोड़ी सी मैंने ब्राइटनेस को कमा दिया। ओके, मैंने थोड़ा डार्क कर दिया। अब एक एम्प्टी लेयर, मतलब कि फर्स्ट आपको मतलब एम्प्टी लेयर लेनी है, उसमें सिलेक्ट पिक्सल करके इन्वर्स करने हैं, एंड उसमें क्या कर देना है फिल एंड स्ट्रोक रेड कलर का। ओके, जिससे आप एक अच्छा सा ग्लो इफेक्ट दे सको अपने थंबनेल में। अब भाई जो आपकी जो लेयर आपने की थी इन्वर्स करके, उसमें आपको डाल देना है ग्लो रेड कलर का, एंड अपने टेक्स्ट के सिलेक्ट पिक्सल्स करके उस रेड वाले लेयर से एक्सट्रैक्ट कर लेना। ओके, एक सेकेंड, हाँ हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। अब दोनों का मर्ज डाउन आपको सिंपली कर देना है। अब आपको दिख रहा होगा भाई बहुत डार्क है, अभी सब ठीक हो जाएगा। अब से आपको दो तीन बार ड्रॉप शैडो दे देना है अपने हिसाब से, जैसे भी आपको सही लगता है। एंड भाई आपकी ओपेसिटी थोड़ी सी तुम एडजस्ट कर सकते हो, जिससे भाई सब कुछ सही लगने लगे। ओके, अब भाई तुमको एक एम्प्टी लेयर लेनी है, उसमें तुमको ग्रेडियंट देना, कौन सा वाला मैं को दिखा रहा हूँ, ग्रेडियंट में जाकर तुमको ऐसे विग्नेट वाला ग्रेडियंट दे दो। ओके, मतलब ऐसे अगर क्या होगा कि जो एजेस है वो थोड़े से डार्कर हो जाएंगे, अपने हिसाब से दे देना भाई जो भी तुमको सही लगता है जितना वाला। अब इसको देने के बाद तुमको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ठीक कर लेना है इसको, एंड अपने फॉन्ट को फिर से इंपोर्ट नहीं करना है अभी। एक बार तुमको पैक में जाना है, फिर से मैं आपको पैक में दे दूंगा एक पार्टिकल्स। ओके, ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं मतलब कि व्हाइट कलर के हैं, इसमें आपको लेकर देना लीनियर डॉजार्ड, एंड कैरेक्टर के पीछे वाले लेयर तक ले जाना है आपको उसको सिंपली से, कैरेक्टर पीछे पार्टिकल्स ऐड हो जाए, एंड कैरेक्टर को ऊपर नहीं आने चाहिए वो, इसलिए तो भाई अजीब लगता है समझो। अब भाई तुमको अपने चल जाना है पिक्सल ऐप की फोल्डर में, एंड अपने फॉन्ट्स को मतलब टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो मेक दिस को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, आप देख सकते हो सिलेक्ट पिक्सल करके, इसको अपने हिसाब से भाई इसको तुम एडजस्ट कर लो। ओके, इसको थंबनेल के ऊपर एडजस्ट कर लिया, एंड भाई सॉरी फॉर द वॉइस ओवर में जो भी इशू आ रहा है भाई, बहुत दिन से वॉइस ओवर ट्राई नहीं किया। अब इसको सिलेक्ट पिक्सल करके अब ग्रेडियंट दे देना है कुछ इस तरीके का, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट आप देख सकते हो। अब एम्प्टी लेयर में भाई सिलेक्ट पिक्सल इन्वर्स जैसे आप सबको पता है, फिर फिल एंड स्ट्रोक में जाकर व्हाइट कलर का फिल कर देना है इसके अंदर। इसको लीनियर डॉज ऐड करके आपको बेसिकली इसमें ग्लो डाल देना व्हाइट कलर का, जिससे आपके मतलब कि व्हाइट कलर का जो अपने टेक्स्ट लिखा है मेक दिस, उसको एक अच्छा सा ग्लो इफेक्ट मिल जाए इनर ग्लो। ओके, अब इसके सिलेक्ट पिक्सल करके ऊपर वाले लेयर से एक्सट्रैक्ट करके दोनों को सिंपली मर्ज डाउन कर देना है। अब भाई इतना होने के बाद तुमको फिर से अपने फॉन्ट को इंपोर्ट करना है, इसमें मेरे को लास्ट में ऑन एंड्रॉयड रखना है, तो उसके मैंने सिलेक्ट पिक्सल्स किए एंड बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर लिया, सिंपल है भाई। अब भाई तुमको इसको भी अपने हिसाब से एडजस्ट करके लगा लो, जहाँ भी तुमको लगाना है अपने थंबनेल में। ओके, मैंने आप इसको एडजस्ट कर लिया, एक सेकेंड वेट, हाँ अब ठीक है थोड़ा सा।
अब भाई क्या करना है, सेम प्रोसेस जो आपने मेक दिस कट किया था, अभी भाई मैसेज आ गया, सिलेक्ट पिक्सल्स करके इस, अभी भाई सिलेक्ट पिक्सल ग्रेडियंट करना है, एम्प्टी लेयर में जाओ, सिलेक्ट पिक्सल इनवर्स फिल एंड स्ट्रोक करके वाइट कर देना, लीनियर डॉज एंड सेम ग्लो डाल देना, बेसिकली यही तुमको करना है। एंड ये करने के बाद फिर से हो गया भाई, जब तुम्हारा सही लगे, कोई इसका अमाउंट नहीं है, जो सही लगे उतना ग्लो डाल दो, सिलेक्ट पिक्सल एक्सट्रैक्ट करके मर्ज डाउन कर दो। अब ठीक है, अब जो दोनों व्हाइट कलर की लेयर है उसको मर्ज डाउन कर दो एंड इसमें ड्रॉप सेल डाल दो अपने हिसाब से। अब डुप्लीकेट करो व्हाइट वाले लेयर को, ऊपर वाले को लीनियर डॉज करके गॉसियन ब्लर दे दो। अब भाई जितना गॉसियन ब्लर सही लग रहा है दे दो, एंड अगर ज़्यादा ग्लो लग रहा है तुम्हारा टेक्स्ट का वो सब कुछ अजीब लग रहा है, तो भाई इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके, थोड़ी सी मैंने ओपेसिटी कमा दी इसकी एंड बेसिकली हो गया। ओके, अब भाई सब कुछ सही है, अपने हिसाब से देख लो एक बार, एंड मैंने अब देख लिया, उसको सेव करके तुमको बेसिकली अपने लाइट रूम एप्लीकेशन में इसको अब इम्पोर्ट कर लेना है। ओके, एक सेकेंड वेट मैं कर रहा हूँ। ओके भाई, अब तुम गैलरी में जाना है बेसिकली, एंड गैलरी में इमेजेस खोलो, वहाँ पे तुमको फोटो मिल जाएगा, अब इसको सेंड कर लो लाइट रूम एप्लीकेशन में, उसको मैं इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ लाइट रूम में। एक सेकेंड वेट मैं इसको इम्पोर्ट कर लिया भाई, तुम देख सकते हो भाई लाइट रूम एप्लीकेशन तुमको खोलना है। एंड इसमें प्रीसेट कौन सा लगाना है, एक लूमियोट करके मैंने प्रीसेट दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन है भाई, वो लगा देना इसमें तुम प्रीसेट्स में जाकर। ओके, ये लगाने भाई तुम्हारा थंबनेल हो चुका है रेडी। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, लेट्स म्यूचुअल एंड नेक्स्ट टोटल एंड साइनिंग ऑफ, पीस।